किसी व्यक्ति को सफलता मिल रही है, हमारे मन में उसके लिए ईर्ष्या हो रही है, तो हमें जानना चाहिए हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हम सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को सफलता मिल रही है, हम उसका मार्ग रोक रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति का मार्ग नहीं रोक रहे हैं, हम सफलता का मार्ग रोक रहे हैं। इसका अर्थ है, सफलता हमारे पास भी कभी नहीं आएगी। जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो हमारे पास क्यों आएगा? जिसके लिए हम मार्ग रोक रहे हैं वो हमारे पास क्यों आएगा? बिल्कुल सूक्ष्म साइकोलॉजी पर ध्यान दें। किसी किसी को आदत होती है, हम हंस रहे थे कल परसों, जो हमारे एक दो साथी हैं वो जानते हैं, हमारे पास कोई व्यक्ति रोकता है रास्ता लोगों का, यहाँ से ना निकल सके, इसको बंद कर दो, थोड़ा रोक दो यहाँ से। लोग हमारे पास मेहमान आए हुए ना बहुत, तो भाई मेहमान तो मेहमान होते हैं ना, घर में हमारे मेहमान आए तो वो कुछ भी करें, हम उन्हें साथ देते हैं ना, प्रेम देते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखो, ये व्यक्ति दूसरों का रास्ता रोकता है ना, ये अपने रास्ते रोकने का बीज डाल रहा है। अटेंशन देंगे सभी, हम किसी का रास्ता रोकें, हम अपना रास्ता रोक रहे हैं, किसी और का नहीं। तो हम बाप समान हैं, हमें सम्मान देना है सफलता को। कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ो। तो हम सफलता को सम्मान दे रहे हैं, तो सफलता हमारे द्वार पर भी तो आ जाएगी। हम उसे प्यार दे रहे हैं सफलता को, हम व्यक्ति को न देखें, हम उस क्वालिटी से बिहेव कर रहे हैं। अटेंशन देंगे सभी, हमें बाप समान बनना है। पांच बातें निकाल लेते हैं, आपको निकालनी है, बोलो। बाप समान बनना है तो ऐसी बातें जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, केवल इंटेलेक्चुअल बातें नहीं। एक बात, जैसे बाबा के मन में बुद्धि में ज्ञान सदा टपकता रहता था, बाबा बोलते हैं ना ये, वैसे ही ज्ञान के सुंदर संकल्प हमारे मन में भी चलते रहें। इसकी प्लान बनाएंगे सभी। ये काम बिल्कुल सहज है, लेकिन कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम कुछ सुनते रहें, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, कुछ अच्छी बात करते रहें। देखो, एक कुमार ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसको बहुत व्यर्थ संकल्प चलते थे। उसने क्या किया कि जब छुट्टी हो सारा दिन क्लास सुने, जब छुट्टी नहीं है तो जब जब बीच में टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट क्लास सुने, और ऐसा 15 दिन करने से उसका व्यर्थ संकल्पों का फोर्स समाप्त हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे साधन है, आजकल तो मोबाइल में ही लग जाता है ना, छोटी सी चिप्स, पेन ड्राइव, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, सब लग जाता है, सुनते रहो। अव्यक्त मूल्यां हैं बहुत सारी, अच्छी अच्छी क्लास, अच्छी अच्छी कमेंट्री, ताकि मन डाइवर्ट होता रहे। दूसरी बात पे ध्यान देंगे, बाबा का महावाक्य हम याद कर लें। श्री बाबा ने पूछा, ब्रह्मा नंबर 1 में क्यों गए? उत्तर दिया, क्योंकि वे मैंपन को छोड़ने में नंबर 1 रहे। अटेंशन देंगे अब हम सब, जिसको बाप समान बनना हो, क्या करेंगे? पहला पुरुषार्थ, मैंपन नहीं, लेकिन गति बहुत सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म गति है? कि हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरे पास मैंपन नहीं है। बुद्धिमान लोग, पवित्र आत्माएं, स्वमानधारी आत्माएं रियलाइज करती हैं, यहां मैंपन आ गया। बहुत सुंदर बात ध्यान रखेंगे, जो कुछ हमारे पास है, क्या है वो? प्रभु देन। हमें कार्यों में सफलता मिल रही है, प्रभु देन।
बिल्कुल हर चीज पे अटेंशन दें। हमारे पास बुद्धि बहुत अच्छी है, प्रभु देन है। हमारे पास धन है, सुंदरता है, बोलने की कला है, कई और कला है, सब प्रभु प्रसाद है, उसने हमें दिया है, यूज करो। ये बिल्कुल सत्य बात है। बाबा कह रहे थे ना, बटन दबाएं। क्या अर्थ है इसका, अच्छी तरह समझ लें, बाबा को जान लें। बाबा के हाथ में ही संपूर्ण पावर है। अगर वो हमसे अपनी शक्तियां हटा लें तो हम यहां क्लास नहीं करा सकते बैठकर। ये बिल्कुल सत्य है। उसकी शक्तियां उसने अपने हमारे साथ कर दी हैं, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। जो सेवा में आए हैं उनमें सेवा में आने की उमंग किसने दी, ये ना सोच लेना हम में आई थी, वो ऊपर से ही आई थी। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की उमंग भी ऊपर से ही आती है। इसलिए मैंपन का कहीं भी स्थान नहीं है। हम जितने बड़े बन जाएं, बहुत बड़े बने, बहुत सफल हों, हर जगह सम्मान हमारे पीछे पीछे चले, लेकिन मैंपन नहीं। सब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। और आगे चलें, एक प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल बातें और। जैसे बाबा को भविष्य का नशा था, सबने सुनी है बाबा की कहानियां, दीदी मनमोहिनी सुनाया करती थी, वो आपने सुनी है या नहीं, कि कई बार देखा दीदी ने कि मैं बाबा के कमरे में अचानक गई तो बाबा कैसे चल रहे थे, जैसे बच्चे चलते हैं ना, दो हाथ आगे रख के घोड़ा बन के चल रहे हैं बाबा, ऐसे ऐसे देखा दीदी, बाबा आप क्या कर रहे हो, बाबा को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर मिचनू, सिंधी शब्द है मिचनू, छोटा सा श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो भूल गए थे कि मैं बड़ा हूं, बिल्कुल भूल गए, छोटा बच्चा श्री कृष्ण जैसा। दादी जानकी भी सुनाया करती है, हिस्ट्री हॉल में बाबा एक दिन अकेले डांस कर रहे थे, दादी गई देख लिया, बाबा और डांस कर रहे हैं, कहा हाँ बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं नारायण बनने वाला हूं, भविष्य का नशा। हम भी कम से कम एक बार तो भविष्य में चला करें, सबको पता है हम भी तो महान देवता है ना, छोटे मोटे देवता नहीं, महान देवता हैं सभी। जो अब बाबा के बच्चे हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनको अच्छी लगन है, वो महान देवता। अगर आप प्रजा में भी आएंगे तो रॉयल प्रजा, छोटी मोटी प्रजा नहीं, महान प्रजा, समान होते हैं वो भी राजाओं के। तो हम अपने भविष्य में चला करें। और दूसरी बात जो थी, अब ये चौथी बात हो गई, समर्पण भाव। बहुत ध्यान दे, बहुत प्रैक्टिकल कर ले इसको अपने जीवन में। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। दादी ने शरीर छोड़ा तो बाबा के संदेश आते थे ना, उसमें एक संदेश था, दादी कहाँ जन्म ले रही है, ऐसा परिवार जो बहुत अच्छे भक्त हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी उनकी भक्ति की, कि वे पानी भी भगवान को अर्पित करके पीते हैं। भक्ति में भी समर्पण भाव चला आता है, हम अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें, पानी भी पिए पहले बाबा को अर्पित करें, भोजन खाएं पहले बाबा को अर्पित करें। बहुत सारे भाई बहने परिवारों के बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा सा अनुभव सुना, एक सेंटर में मैं गया, तीन छोटी कन्याएं वहां रहती हैं, तो उन्होंने एक बैग बाबा के कमरे में बाबा के चित्र के आगे रखा हुआ था। मैं देखा ये क्या, बाबा के चित्र के आगे बैग रख दिया इन्होंने, तो 15 मिनट के लिए ही गए थे, 10 मिनट क्लास कराई, फिर छुट्टी लेने लगे, बाबा कमरे में आए तो वो गिफ्ट मुझे दे दी।
तो मैंने कहा बाबा के आगे क्यों रखी थी, ये तो तुम्हें मुझे देनी थी ना, कि नहीं हम पहले सब कुछ बाबा को अर्पित करते हैं। कहा हमारे पास जो पैसा भी आता है ना, अभी भंडार तो लगी नहीं थी, शुरू हुआ था सेंटर, भाई बहने जो थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं उसको हम बाबा के फोटो के आगे रख देते हैं पहले, तुमको अर्पित, अब तुम हमारी पालना करोगे। बहुत अच्छा तरीका है, आपको सैलरी मिले बाबा के आगे रख दो, ये तुमको अर्पित, ये तुम्हारा है, मैंने कमाया है, मैं बच्चों की पालना करूंगा नहीं, अब ये तुम्हारी ओर से हमारे परिवार की पालना होगी। माताएं अच्छा छोटा काम करें, सब्जी लेके आए, क्या करें, रख दो बाबा के आगे, स्वीकार कर लो, कच्ची रख दो, पकाने के बाद तो बाद में रखना, फ्रूट लेकर आओ, रख दो बाबा के आगे, तुमको अर्पित, छोट छोट चीजें शुरू करो, तब तो आदत पड़ेगी ना, पानी से शुरू करें, पानी पी रहे हैं, तुमको अर्पित, अब तुम पिला रहे हो हमें ये पानी, अमृत बन गया है, पसंद है भाइयों को, बहुत अच्छा करेंगे आप, सभी के घरों में बाबा के कमरे या बाबा के चित्र कुछ ना कुछ तो है, समर्पण भाव। और इसमें भी बहुत सुंदर बात, जिनको डीप पुरुषार्थ करना है, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, चाहे आप लौकिक कर्म ही कर रहे हैं उसे लौकिक भान निकलता जाए, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, पर बच्चों के लिए नहीं, अन्यथा वो कर्म क्या कर रहा है, बांध रहा है। अगर हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल विधि है, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। और बताएं, याद आ रहा किसी को बाप समान बनने की कोई बात है, सर्वस्व त्यागी और अचल अडोल, बाबा पर बहुत विश्वास, छोटी बातें आ जाने पर परेशान नहीं, बेगरी पार्ट चला बाबा के सामने, छोटी बात नहीं थी, 400 लोग खाने वाले हों और घर में 50 पैसे बचे हों, छोटी बात नहीं थी। हमने बाबा के फोटो देखे, बाबा का चेहरा सिकुड़ गया है, पतले हो गए बाबा, एक ही टाइम भोजन मिलता था बाबा को भी, हाँ बिल्कुल पतले हो गए थे, पतली दाल जिसमें दाना दिखाई नहीं देता था दाल का, और गिनती की रोटी, दो ही मिलेंगी एक टाइम, ऐसे में आप सोचो कितनी बड़ी परीक्षा थी बाबा के सामने, अपनी परीक्षा हो तो मनु सहन कर ले, एक बड़ा परिवार उसको खिलाना, उनको संभालना, कई सोच रहे हैं भागो यहाँ से, उन्हें संभालना, कईयों को संशय आ रहा कल क्या होगा, भूखे ही रहेंगे क्या जिंदगी भर, खत्म हो गया बाबा का तो काम, अब चलो उन सबको संभालना, बहुत अचल अडोल स्थिति, सीखना है हमें भी, हमारे जीवन में जरा सा पेपर आ जाए, मैं बहुत देखता हूँ लोगों को, गृहस्थियों को तो परेशान ही परेशान, बाबा एक तरफ रह जाता है, समस्या ही समस्या दिखाई देती, हाय ये हो गया, मेरे बच्चे के नंबर कम आ गए एग्जाम में, बस इतना ही, आने थे 80% आ गए 65%, परेशान हो रहे हैं, खुशी चली गई है सारी। सीखना है अचल अडोल। तो मैं आप सभी को एक राय दूंगा बहुत अच्छी, जो परिवार वाले बैठे हैं, अपने परिवार का हेड किसको, बाबा को बना दो, प्रैक्टिस करें, हमारे ऊपर बाबा भी है परिवार में, जैसे आपके बच्चों के ऊपर आप हैं तो बच्चे निश्चिंत रहते हैं ना, हमारे ऊपर सर्वशक्तिवान हमारे परिवार का हेड, ही इज रेस्पॉन्सिबल, सबसे सुंदर रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार तो बाबा है ना, उससे अच्छी जिम्मेदारी कौन उठा सकता है, जिसकी चुटकी बजाते ही सब पूरा हो जाता है, संकल्प करते ही सब खेल पूरा होने लगता है, ऐसा बाबा हमारे परिवार का हेड है। तो सभी अपने को इस तरह करेंगे, बाबा जब चलते थे बाबा भी घूमते थे आंगन में, घूमते थे मधुबन के बाहर जो सड़क है ओम शांति भवन के आगे, तब वहाँ कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था,
वहां भी घूमते थे कभी कभी, बिल्कुल लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शरीरीपन का बहुत अभ्यास, इतना अभ्यास हो गया था कि लास्ट में लगता था किसी बाबा ही है, पर स्थिति वो ब्रह्मा बाबा की हो गई थी संपूर्ण निराकारी, तो दोनों में बिल्कुल समानता आ गई थी। हम बाबा जैसी तपस्या करेंगे, रोज उठते ही याद कर लेना मैं बाप समान हूं, और बाबा का चित्र देख लेना बाबा के कमरे में। दादी जानकी शुरू में बहुत बोलती थी कि मैं बाबा कमरे में जाती हूँ तो बाबा से प्रेरणा मिलती है कि बाबा हमेशा जैसे तपस्या में बैठा है, ऊपर से शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं, तो मुझे भी ऐसी ही तपस्या करनी है। शास्त्रों में भी यही है, जब भी कोई ब्रह्मलोक में पहुंचा वहां ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्मा को देखा तो देखा तपस्या में बैठे हैं, बहुत देर तपस्या में ही बैठे हैं। तो बाबा जैसी तपस्या, बाबा जैसा स्वमान, बाबा जैसा नशा, बाबा जैसी निर्विकारी अवस्था, बाबा जैसा निरंकारी, बाबा जैसी शुभ भावनाएं। बहुत चीजें बाबा कहता है ना, 3 दिन पहले 4 दिन पहले मुरली में था ना, बाबा किसी बच्चे को कुछ कहता है तो बच्चे साथ में प्यार भी तो करता हूँ मैं, किसी की कोई बात दिल पे नहीं रखता, भूल जाता हूँ जल्दी ही। और यही था बाबा का, किसी को मान लो कुछ शिक्षा दे दी उसको बुरा लगेगा ना, बाबा ने मुझे ऐसा कह दिया, तुरंत बाबा बहुत प्यार करता था और भूल जाता था। वही बच्चा अगर 10 मिनट के बाद आके मिले तो वो जान सकता था कि बाबा को कुछ पता नहीं कि कुछ हुआ था क्या, जैसे भूल गया है सब कुछ। ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं, ऐसे महान विचार, ये राजाई विचार, खुले विचार, ब्रॉड माइंडेडनेस, ऐसा श्रेष्ठ नशा हम सब भी अपने पास लाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। धुन लगानी है, ये ना सोचना आप ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, ये हो नहीं सकता, होगा। 1 मास को वरदान है, 2 दिन पूरे हो गए हैं, इस वरदान को भूलना नहीं है, समय को वरदान है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका संपूर्ण फायदा उठाएंगे। और इन सब बातों में से ज्यादा नहीं तो कोई 1-2 बात भी आप अपने लिए ले लें, उस पर पूरा अटेंशन दें, सवेरे ही अपने को याद दिला दें और सारा दिन उसको अपने अभ्यास में लाएंगे, तो हम विजय रतन भी बन जाएंगे, निर्विघ्न जीवन भी बन जाएगा। अब ये सारी बातें एक में ही आ जाएंगी कि बाप समान होने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बातें आप ही कवर हो गई, हम निर्विघ्न भी, हम विजय रतन भी, और सेकंड में संकल्पों को कंट्रोल भी कर पाएंगे, बातों से भी मुक्त हो जाएंगे। मुरली की मुख्य पॉइंट सभी नोट करेंगे अपने पास, मुरली को पढ़ के इस मुरली से 5-7 पावरफुल पॉइंट्स नोट करेंगे अलग से और उन्हें पढ़ते रहेंगे। और 1 मास अभी तो बाबा ने काम दे दिया है, पूरा ध्यान देकर संकल्प कर लो हमें बाबा की शुभ इच्छा को पूर्ण करना है। हम नहीं करेंगे कौन करेगा? देखो हमारे पास सुंदर बुद्धि, सुंदर अवसर, हमारा तन भी करने के लायक है, मन भी करने के लायक है, हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी का तन भी टूट गया है, मन भी बूढ़ा हो गया है, बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, उमंग भी बूढ़े हो गए हैं, वो तो कर ही नहीं सकते ना। हमारे पास सब कुछ है, इसका हम फायदा उठाएंगे और बाबा को बहुत गुड रिजल्ट देंगे। ओम शांति।